लिए फ्रेंड, मैं आज गोभी का पराठा बनाते हैं, गोभी और मेथी डाल के। उसके लिए मैंने क्या की हूँ, गोभी को कद्दूकस कर ली हूँ और उसमें मेथी का पत्ते को महीन महीन काट के इसमें डाल दी हूँ, और एक इंच आधी और एक थोड़ा ढेर सारा लहसुन, काली मिर्च, हरा मिर्च, चाट मसाला और अजवाइन मंगरेला। और इसमें मैं भरने के लिए सारे को मिश्रण में थोड़ा सा चना का सत्तू डाल दी हूँ। और अब बनाते समय सारे को करके उसके बाद बनाते समय इसमें नमक डाली हूँ। और आटा में सिर्फ जो आटा आप सानते हैं सादा रोटी बनाने के लिए, उसी तरह का आटा सानकर मैं नॉर्मल सिर्फ पानी डालकर गूंथ ली हूँ। उसके बाद उसमें ये मिक्सर को मैं भर लूंगी। देखिए किस तरह से मैं ये भर रही हूँ, इसको इस तरह से, देखिए इस तरह से इसमें डालकर इसको इस तरह से। कोई भी आप भर के, जो आलू भर के, सत्तू भर के पराठा बनाती है ना, उसी तरह से इसको भर लेना है। उसको फिर बेलने के सहारे इसको गोल गोल रोटी बना लेना है। इस तरह से इसको बेल लेंगे। उसके बाद इसको इसमें थोड़ा सा मैं उस मिश्रण में भी तेल डाली हूँ, और इसमें भी कम तेल के लिए मैं एक कॉटन कपड़ा ली हूँ और उसको धोकर, नया न्यू कपड़ा है, और उसको इस तरह से मैं सरसों का तेल में बना रही हूँ। डीप करके इसको इस तरह से लगाकर इससे सारे में लग जाते हैं, सारे पराठे में, और तेल भी बहुत कम लगता है। इस तरह से पलट पलट कर इसको सिझा लूंगी। इसमें गैस का स्लो ही रखेंगे, तेज रखने में सारे अंदर से कच्चा है ना, इसमें ही पक पाएगा, इसलिए स्लो गैस पर ही इसको पकाना है। ये बहुत जल्दी पक जाते हैं क्योंकि बहुत पतला रोटी की तरह है, प्लेन रोटी की तरह है, इसको बेल कर की हुई है ना, देखिए कितना पतला है। देखिए एक बार बनाकर देखिए, बहुत टेस्टी लगता है। बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। इसमें सारा आयरन वाला ही चीज है, ऐसे भी मेथी खाना चाहिए ठंडे के मौसम में। गोभी का सब्जी खाते खाते मन भर जाए तो गोभी का पराठा बना लीजिए, गोभी का पकौड़ा बना लीजिए। इसी तरह से बना लीजिए आप, जो घर में आपको पसंद करते हैं, रायता चटनी, भंटा का चोखा या चना का सब्जी, उसके साथ आप एंजॉय कीजिए। बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।